सो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और भाई, आप सभी को तलवार से मारने में तो मजा बहुत आ रहा होगा, है ना। और मुझे तो तलवार वालों को मारने में मजा आ रहा है भाई। जब से मैं गेम खेल रहा हूँ ना, कम से 8 से 10 तलवार वालों को तो ऐसे ऐसे जो फिंगर होती है लास्ट वाली ना, छोटी वाली फिंगर होती है, उससे निपटा दिया इन सबको। मैं क्या ही बताऊँ यार, बाएं हाथ का खेल है। तो बात करते हैं इस गेम प्ले के बारे में। तो भाई, आज की वीडियो में रहने वाला है बहुत कुछ। जैसे यहाँ पर जैसे लैंड करता हूँ, वैसे मेरे को गन मिलती है और सामने बंदा। और भाई, ये भाई साहब रहते हैं प्लेन लीडर में सबसे आगे। मतलब कि भाई, प्लेन इन्हीं के नाम का था, तो भाई इनको दोबारा से हमने इन्हीं के प्लेन में भेज दिया कि जाओ भाई वापस से मौज करके आओ। और बात करें गेम प्ले और वीडियो के बारे में, तो भाई रहने वाले हैं 2 गेम प्ले हमेशा की तरह। और भाई, दूसरे वाले गेम प्ले में हमारी मर्जिट भाई से मीटअप होने वाला है, वो भी लास्ट में, और हम करेंगे तलवार फाइट। फिर देख वो वैसे मर्जिट भाई की वीडियो में आप सभी ने देख लिया होगा कि वहाँ पे सीन क्या हुआ था। बट भाई, मेरा भी POV आज देख लेना आप लोग को ना, मजा कसम से नेक्स्ट लेवल का आने वाला है। तो प्लीज यार पूरा देखिएगा। अब देखो, ये भाई साहब यहाँ पे ग्रेनेड मोली डाल के बहुत ज्यादा छुछिया रहे होते हैं, और इनको इधर पे किल कर दिया और यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 2 किल। अब यहाँ पे मेरे 2 किल हो जाते हैं, तो मेरे हाथ में शॉटगन था, तो मैं सोचा चल के बंदों को बस ठेल दिया जाए। अब जैसे इधर पे आता हूँ, यहाँ पे रहते हैं 2 बंदे टीम अप वाले। भाई, ये इन बंदों से तो मैं पहले भी मर चुका हूँ। एक ये बिच्छू राजा YT और दूसरा ये गॉड फादर जो भी करके है। तो भाई, ये लोग हमेशा टीम अप करके खेलते हैं, इनका मैं क्या ही बताऊँ। अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। लैंड करता हूँ, हॉस्पिटल लूटता हूँ। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होगा। जैसे यहाँ पे आता हूँ, मेरी बग्गी फंस जाती है, और भाई उतने में यहाँ पे एक मॉन्स्टर ट्रक आ जाती है। अब इस पे मैं पीछे से स्प्रे इसलिए नहीं लेता कि भाई ये कहीं गाड़ी वाड़ी चढ़ा के मेरे को कुचल ना दे, इसलिए भाई इसका भी आपको सावधानी रखना जरूरी है। फिर देख लो, बोट भी कैम कर रहे हैं, फुरस्ते भी नहीं दे रहा साला पट पट करके। और भाई, UMP क्या ही ऑटो फायर चला रहा है। तो इसको मार के हमारे 4 किल हो जाते हैं। यहाँ पे लूट ही रहा होता हूँ, फिर देखो ये वाला गजब का स्प्रे। बाकी किसी चीज के लिए लाइक करो या ना करो, बट इसके लिए तो लाइक कर दो, ठीक है। लाइक करो। अब यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 5 किल। तो आराम से यहाँ पे लूटता हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर एक गाड़ी मंडरा रही होती है, तो मुझे पता था भाई कि ये भाई साहब कुछ ज्यादा हीरो बन रहे हैं, तो फिर इधर पे रुकेंगे जरूर। अब देखो यहाँ पे मेरे साथ क्या ही गलत सीन होने वाला है। इस चीज से मैं कितना ज्यादा गुस्सा हो गया था, मैं क्या ही बताऊँ। गुस्सा तो आपको दिखा नहीं सकता, खैर बस सुनो मेरा गुस्सा आप। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं क्या ही बताऊं। अब देख लो भाई, यहाँ पे इसको 2 टंटना के AKM का हेडशॉट मारा, फिर भी बंदा नहीं मरा। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार। फिर देखो दोबारा, अब भाई इतनी जल्दी ये बंदा हील भी कर लिया है। इसको दोबारा से बॉडी शॉट दिया, फिर भी बंदा बद ही नहीं रहा है। फिर देखो यहाँ से गुजरती है एक बग्गी, और भाई यहाँ पे गलती से इन भाई साहब का हमने टायर फोड़ दिया। तो भाई, ये भाई साहब इनके पास ना यहाँ पे स्नाइपर रहता है, तो ये कुछ ज्यादा छुछिया रहे होते हैं मेरे को मारने के लिए। फिर देखो, अब ये ऐसे पिक करके बैठा था, तो जिससे मुझे पता चल गया था कि भाई हाँ, इसके पास स्नाइपर है। अब यहां भी मैंने इसको हेडशॉट और बॉडी शॉट दोनों चिपका दिया था, जिससे कुछ हुआ नहीं। फिर भाई यहाँ पे देख लो, इसने स्नाइपर मारा, तो ऐसा लग रहा था कि भाई स्नाइपर की गोली 2 बार मेरे को कैसे आके लगी। 2 बार साउंड आता है अब जो स्नाइपर है। अब देखो मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से एक नेट करता हूँ, और मुझे पता था ऐसा, मतलब कि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वहीं पर होल्ड कर रहा है जहाँ पर मेरा ग्रेनेड गया है अभी, देख लो। बट भाई बंदा यहाँ पे फटता नहीं। फिर देखो यहाँ पे इसके साथ गलती सीन हो गया, पीछे से एक बंदे ने स्नाइपर से इसको इधर पर टपका दिया। तो मैं सोचा चलो अच्छा है, इसमें योगदान तो मेरा भी था, ठीक है। फिर मैं एंट्री करता हूँ लास्ट के सर्कल में। अब यहाँ पे मेरे अच्छे खासे 5 किल हो गए थे, तो मुझे बस होल्ड करना था। तो ये वाला स्क्वाड हाउस खाली था, जो कि बेस्ट प्लेस था अभी के लिए सर्कल में, तो यहीं पर होल्ड करते हैं। फिर देखो ये मेरा हग्गू वाला स्प्रे, एकदम से कतई हग्गू है ये। फिर देखो इन भाई साहब के साथ है यहाँ पे तलवार। अगर भाई आप लोग तलवार से मरे हो, तो भाई यहाँ पे ये देख के थोड़ा खुश हो जाओ यार, क्योंकि भाई मैं तलवार वाले को यहाँ पे चांप दिया हूँ अच्छे से।
ठीक है। और इसको मार के कसम से नेक्स्ट लेवल का आनंद आया था मेरे को, और यहाँ पे हो जाते हमारे 6 किल। अब भाई सर्कल मेरे से ज़्यादा दूरी पे था नहीं, तो फिर यहाँ से मैं तुरंत बग्गी उठा के भागता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इस शेक पे मेरे से पहले कोई और आके होल्ड कर ले। जैसे इधर पे आता हूँ, और भाई ये भाई साहब मेरे लिए यहाँ पे गिफ्ट बन के आते हैं, होम डिलीवरी बन के आते हैं। इनको इधर पे किल करके हमारे यहाँ पे 7 किल हो गए थे, हमारा टॉप 10 भी हो गया था। फिर देखो ऊपर यहाँ पे एक बंदा दिखता है जिसके पास होता है स्नाइपर। फिर मैं सोचता हूँ भाई इसको यहाँ पे आराम से रुकने दूँ, खड़ा होने दूँ, फिर स्प्रे कर दूंगा। फिर देखिए स्प्रे भाई यहाँ पे 3-4 बॉडी शॉट और एक हेडशॉट तो मारा, बट भाई बंदा मरता ही नहीं जा रहा, यही हो रहा था। बट बस हेडशॉट मारो बंदा मरे ना, यही हो रहा था मेरे साथ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सर्कल अपने पे था नहीं, तो मैं सोचा स्मोक करके यहाँ से निकला जाए। फिर देखो यहाँ पे सीन क्या गलत होता है भाई, मैं जिस तरीके से यहाँ पे स्मोक कर रहा था, इतने में बंदा अगर स्प्रे करके मारता तो मैं देखो 2 बार मार लेता। बट भाई स्नाइपर से मारा, यहाँ पे बॉडी शॉट चिपक भी गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या सीन होगा, जोन आ गया। अब यहाँ पे मैं जब बग्गी पे बैठूंगा ना, तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं आगे, मैं किधर जाऊँ कहाँ जाऊँ। और फंसते फंसाते अटकते उटकते यहाँ पे पटकते झटकते मैं आ जाता हूँ सर्कल में बचते बचाते। अब देखो यहाँ पे अपने आप को हिल करता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान देना आगे से एक गाड़ी निकलती है, ठीक है। अब यहाँ से एक गाड़ी निकली और जो कि जाके ये वाले घर में चली गई, तो मुझे ऐसा कंफर्म हो गया कि भाई पीछे वाला जो बंदा है स्नाइपर वाला ना, वही आगे आया है। फिर देखो इधर पे क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आज स्प्रे में इतना ज़्यादा हग रहा हूँ तो क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा ट्रेनिंग मेरे को भी चाहिए। अब मुझे एकदम से कंफर्म हो गया था कि मेरे पीछे कोई भी बंदा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इधर पे फाइट लेने में एकदम से लीन हो जाता हूँ। मैं सोचा यहाँ पे एक नेट डाल दिया जाए, लेकिन उतने में भाई पीछे से एक मौली आता है, जितने में मैं यहाँ पे यार टेंशन हो पाता कि यहाँ पे पीछे भी कोई सीन चल रहा है, उतने भाई बंदा यहाँ पे आके मेरे को फिनिश कर देता है। और यहाँ पे 21 का प्लस मिल जाता है। फिर देखो ये भाई साहब का यहाँ पे थोड़ा केवल 18 मैच खेले हैं यार, अगर भाई ऐसे बंदों से हमारा जो क्या कहते हैं मैचिंग वगैरह होता रहेगा तो हमें क्या ही प्लस मिलेगा बताओ। अब ये हमारा सेकेंड गेम प्ले, इसमें देख लो किल फील्ड देख लिया आपने, किंग लारा, जिस आईडी से हमारे मर्जिट भाई पैट पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी फाइट कैसे होती है। अभी यहाँ पे मेरा केवल 2 ही किल है जो कि इवेंट का किल है, ठीक है। अब उसके बाद से मैं देखो यहाँ पे 1 भी किल नहीं मिला। फिर देखो लास्ट के चलते चलते कितने सारे किल्स निकालने वाला हूँ, और भाई हमारी फाइट कैसे होती है। और यहाँ भाई अंधाधुन फाइट भी हुआ है हमारा मर्जिट के साथ, फिर उसके बाद जाके हमने टीम अप किया है, तो प्लीज़र उसको पूरा देखिएगा, ठीक है। अब ये वाला शेक जोन के एकदम से सेंटर में था, तो यहीं पर आके होल्ड कर लेते हैं। फिर सामने भाई आज क्या ही हो रहा था मेरे साथ, बस हेड मारो उसके बाद बैठ जाओ, सोचते सोचते कि बंदा मरा क्यों नहीं। फिर देखो यहाँ पे मर्जिट भाई हम पे क्लोजिंग कर जाते हैं, और यहाँ पे मुझे पता था आगे से नेटवेट आएगा ही आएगा, तो मैं भी यहाँ पे नेटवेट डालता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि इस नेट से मर्जिट भाई यहाँ पे डैमेज हुए थे कि नहीं, क्योंकि भाई उनका POV मैंने देखा नहीं, जो कि उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया भी नहीं, ठीक है। मैं वही देखना चाहता था यार। और यहाँ पे हम दोनों के बीच में ग्रेनेड का आदान प्रदान बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है, क्या ही बताऊं। अब यहाँ पे ये भाई साहब मैंने को यहाँ पे डैमेज कर दिए। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा यार डर लग रहा था कि कोई थर्ड पार्टी में बंदा कहीं से ना मार दे और हमारा यहाँ पे फाइट का मजा खराब हो जाए। अब यहाँ पे इन भाई साहब का जितना भी ग्रेनेड मोली था हमने सबको डॉज कर गया, और यहाँ पे अभी मेरे पास एक ग्रेनेड है, मे भी उनके पास भी एक आठ ग्रेनेड बचा होगा, तो देखो अभी यहाँ पे होगा क्या। मेरे पास एक ग्रेनेड है, तो मैं सोचा भाई चल के ये भी वेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि मरने वाले तो है नहीं ना सामने वाले बंदे। अब देखो यहाँ पे पीछे से आता है स्प्रे, ठीक है। अब भाई इस स्प्रे को देख के तो मेरे को यार ऐसा लगा कि अगर ऐसा स्प्रे लॉबी के सभी बंदों का हो जाए तो अपना तो बल्ले बल्ले। फिर देखो शायद ये कहीं घूमने गए थे और बग्गी घुमा के फिर से वापस आ जाते हैं। फिर देखो भाई इस नेट से हम कैसे बच गए थे, हमें यही नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे मैं बचा कैसे।
और भाई यहाँ पे मैं समझ गया था कि सामने यहाँ पे मर्जेट भाई साहब भी हैं, और इसलिए मैं यहाँ पे जंप वम्प करने लग गया था भाई कि मत मारो यार। और यहाँ पे मैं किल फील्ड भी देख गया, तो इससे मेरे को कुछ ज़्यादा कन्फर्म हो गया। और यहाँ पे भाई एकदम से जंप करने लगता हूँ, एकदम से अंधा वाला, हिल भी नहीं करता, ताकि भाई मर्जेट भाई यहाँ पे थोड़ा सा देख ले। और वो मेरे को इधर पे देख भी लेते हैं, और वो मतलब कि सोचते हैं यहाँ पे मैं उनका कोई सब्सक्राइबर वगैरह हूँ, और उनको पता नहीं था कि यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर देखना अभी लास्ट में होगा क्या। अब इधर पे बचते हैं बंदे दो हम दोनों के अलावा। फिर देखो ये चले जाते हैं आगे उस बंदे को मारने। फिर यहाँ पे आती है एक लैम्बो, अब इसको यहाँ पे मैंने डैमेज कर दिया। फिर मैं सोचा घुस के मारो, और यहाँ पे भाई बंदे का नाम था गॉड जिला वाईटी कुछ करके, और इसके पास भाई कौवा सूट था, लंबोगिनी था, मतलब भाई काफ़ी महंगा बंदा था, काफ़ी अमीर बंदा था। तो इसको भाई बड़े ही आराम से यहाँ पे मार दिया। फिर इनका बात सुनो। हेलो बड़ी, अरे तू है, मुझे लगा कोई सब्सक्राइबर है, लास्ट है भाई था, चल चल। फिर इधर पे हम दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो पैंट फाइट हो जाए, और भाई पैंट था नहीं, तो फिर सुनो इधर पे होगा क्या। इसमें भी नहीं है पैन, पैन है ही नहीं, मुक्का फाइट करें। अब देखो यहाँ पे पैन वैन मिलता नहीं, फिर मस्जिद भाई बोलते हैं फिस्ट फाइट करते हैं। फिर मैं बोला अरे नहीं, फिस्ट फाइट की क्या जरूरत है, हमारे पास तो ये तलवार है, तलवारबाजी करेंगे। फिर देखो यहाँ पे 3 2 1 गो। ये क्या था भाई, कसम से यहाँ पे जो हुआ ना, इस चीज़ से मैं भी सरप्राइज था भाई। और इस चीज़ पे मुझे किस लेवल की हंसी आई थी वो आप मर्जीत भाई साहब के वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो कसम से मज़ा आ गया यार। और अगर मर्जीत भाई से जीत गए यार, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जीते हैं, तलवार फाइट हो, पैट फाइट हो, फिस्ट फाइट हो, या कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे मर्जीत भाई से जीता है, और वो भी गंदे तरीके से, तो थोड़ा सा डांस वांस तो बनता है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वाला डांस प्लीजर पूरा देख लेना, और उसके बाद ये भी देख लेना कि हमारा इस मैच में प्लस कितना हुआ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।